दीपक सर, कहाँ के रहने वाले आप? उत्तराखंड देहरादून से। पिछले 20 साल से आप नशा करते थे? जी सर। कौन कौन सा नशा करते थे आप? सर मैं शराब भी पीता था और गुटखा, खैनी, तम्बाकू वगैरह, ये मतलब बहुत ज्यादा लेता था मैं। एक दिन में कितना कितना नशा कर लेते थे? सर ये चार चार पैकेट दिलबाग के और तम्बाकू के और शराब भी एक से डेढ़ आराधा, वो तो कभी कभी ऐसा होता था। और तंबाकू जो आप लेते थे, गुटखा खाते थे, हमेशा आपके मुंह में रहता था? जी सर। और इसी कारण आपके मुंह में जो था एक बीमारी, इन्फेक्शन शुरू हो चुकी थी? जी सर। और जब आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर क्या बोलते थे फिर? जी वो बोलते थे कि इसको आप छोड़ दो नहीं तो तुम्हारे दांत निकालने पड़ेंगे। उन्होंने बोला था कि दांत और पूरा जबड़ा जो खराब हो जाएगा और उसको निकालना पड़ेगा। जी ब्रदर। फिर क्या हुआ, आपने छोड़ दिया नशा? नहीं सर, मैंने काफी प्रयास किए, डॉक्टर के पास भी गया और मैं नहीं छोड़ पाया। मेरे को बहुत शर्मिंदगी होती थी कि इन नशों से छोड़ने में बहुत पर मैं इन्हें छोड़ नहीं पा रहा था। क्यों क्यों नहीं छोड़ पाते थे? क्या होता था जब छोड़ने की कोशिश करते थे? सर मेरे को पता ही नहीं लगता था कि ये मतलब मैं छोड़ना तो चाहता था पर मैं छोड़ ही नहीं पा रहा था इसको। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? सर मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की मैंने। जी। और उसके बाद 27 अक्टूबर 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया। आइए हम उस प्रेयर को देखते हैं। पहले देख रहा नशों से बाहर आते हुए जो लोग नशा करते हैं अभी भी, यीशु मसीह के नाम में नशे की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे कमांड करता हूं इनकी बॉडी को छोड़ो, निकला यीशु मसीह के नाम में। जब आपने परमेश्वर के दास को रही सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? सर मेरे को उस टाइम पे लगा कि मेरे बॉडी में कुछ गर्म सा हुआ और मैं यहाँ से घर गया। अगले ही दिन से मेरे को मतलब सारे नशे से मैं आजाद हुआ और उस दिन से आज तक मैं बिल्कुल फ्री हो चुका। कोई नशे की तलब नहीं लगी उस दिन के बाद? कितने महीने से भी आप पूरी तरह से आजाद हैं? 2 महीने 5 दिन से सर। उसके बाद आप बैप्टिज्म ले चुके हैं, अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं? जी ब्रदर। तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ